गाड़ी लेने यहाँ पापा फर्स्ट गाड़ी में बैठ चुके हैं। अपना पैसा लगता है, अपना पैसा लगता है, ऊपर से लगाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आप लोग कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज डे टू है हमारा ट्रिप का, और आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल से। आज एक नवी गड्डी फिर से हम लेने जा रहे हैं, तो और कहाँ है वो भी पता चल ही गया होगा। बस हम लोग चेन्नई में है, नहीं भैया मेरे ले रहे हैं। नई गाड़ी भी मिलता है वहाँ तो मैं तो पहुँच ही जाता हूँ, आपको पता ही है। तो अभी हम लोग फटाफट निकल रहे हैं, और ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर काम वाम चल रहा है, देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा शोर शोर हो रहा है यार। तो यहाँ पे ब्लॉग करना ना बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह से मैं ब्लॉग बनाया नहीं, और कल रात से मैं आया हूँ तो काफ़ी थक गया था। वीडियो वगैरह भी एडिट करना था, वीडियो वगैरह एडिट किया हूँ, और फटाफट सारा चीज़ कंप्लीट करके अपलोड पे डाल दिया हूँ। एपिसोड कैसा है और कैसा लग रहा है? इधर राधा भी रेडी हो चुकी है, मम्मी यहाँ है भी, और वहाँ पर ऑलरेडी ये अंधेरा कर दी मम्मी, बताओ मम्मी पूरा बंद बंद कर दी थी। तो अभी हम लोग निकल है कि 3 बजे हमें पहुंचना है, तो फटाफट निकलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और सोसाइटी के बाहर ही कैब आ रखा हुआ है। तो यहाँ मम्मी भी मस्त रेडी वेडी होके, क्या लियो गिफ्ट गाड़ी के लिए? कुछ गिफ्ट लिया मम्मी, ये देखो चेक करो। वाह माँ सही काम है। पापा तो फ़ोन पे लगे हुए हैं अभी, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। कैब पता नहीं बाहर ही रुका हुआ है, इस सोसाइटी के अंदर आता ही नहीं है यार कैब। और यहाँ तमिलनाडु में तो लैंग्वेज भैया माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नेक्सा शोरूम पे। कैब हम लोग पहुँच गए कैब वाले के पास, उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग साथ में तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब ये नेक्सा शोरूम है, यहीं पर हम लोग आए हुए हैं जो आप देख रहे हो। और अभी अंदर सारा गाड़ी वाड़ी का देख लिया हम लोग, क्या कैसे था सारा, बिलिंग वगैरह जो भी काम था वो सारा कम्प्लीट हो चुका है। तो वहाँ पर ये देखो ये लगा हुआ है, सब सारे लोग पहुँचे हुए हैं, और यहाँ मामी पापा भी अवेलेबल है, और इधर भैया, और यहाँ देख रहे हो कौन सा कलर है वो भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और वीडियो देखेगा तो कहेगा कि सही सही लेने कहाँ सारे जगह से हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, और जहाँ भी गाड़ी मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। और पापा का थोड़ा सा तबीयत 2-3 दिन से ख़राब हो रखा हुआ था, बट ठीक है, अब टाइम हो चुका है रिवील करने का। कंप्लीट हो गया है, मस्त गाड़ी रिवील भी हो गई हमारी, और अभी केक वेक का चल रहा है, पापा मम्मी यही हैं, और मस्त हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। रील शॉर्ट बताना है कि सिनेमैटिक कैसा लगा, कमेंट करके बताना जरूर कि सिनेमैटिक कैसा पसंद है। और ये देखो भाई चेक करो, चाबी मिल चुका है मुझे, और सबसे पहले मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो तुम्हें ये चलाने आता है? ठीक है, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भी आता, लेकिन तो लाइसेंस नहीं है मेरे। फर्स्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं, ये चेक करो बॉस क्या सही लगता है यार, मतलब एक सही दिखता है गाड़ी, मतलब काफी हैंडलिंग वैंडलिंग काफी अच्छा कर दिया हुआ पुराने से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, और मंदिर, इसके बाद मंदिर जाना है, तो मम्मी भी आ गई है। जो यहाँ पापा फर्स्ट गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और अभी सबसे पहले फर्स्ट तो फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉल दिया है, किसी ने नहीं देते ज़्यादा। तो और पापा, इसी का ना ब्लॉग बना था? हाँ, इसी का सबसे पहला ब्लॉग मेरा बना था जब डिलीवरी लेने गए थे हम लोग, तो बट उस समय गाड़ी नहीं ले पाए, अभी ले लिए फाइनली। इसमें तो है काफी कुछ, बट ये डेल्टा मॉडल है इसका, आई थिंक अल्फा से ज्यादा चालू होता है, जेटा पे भी नहीं है, डेल्टा पे है बस। फ्यूल कितना? 5 लीटर दिया हुआ, दैट्स इट। और कुछ? सबसे फर्स्ट फ्यूल करवा रहे हैं गाड़ी में, पहले तो सबसे पहले फ्यूल ही कंप्लीट करवा लेते हैं। पेट्रोल नॉर्मल फुल कार्ड है, फुल हो जाएगा, ठीक रहेगा यार। 3000 का फ्यूल आया है 30 लीटर के अप्रोक्स। ये लोग गाड़ी परचेज किए हैं, और कौन कौन घूम रहा है? हम लोग घूम रहे हैं। पापा यार जिन्होंने लिया है गाड़ी वो बाइक पे है, बताओ। वायर लगाने के बाद
हाँ, वायर के साथ ही चलता है क्योंकि जब तक कार प्ले या एंड्रॉइड प्ले नहीं ऑन होगा यहाँ से लगता है। जो अल्फा है ना तो ये पूरा डिस्प्ले है, हाँ, इसी नहीं नहीं सेम ही है, सेम ही है, बट ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये पूरा डिस्प्ले में आता है उसमें अल्फा में टॉप मॉडल में। हाँ पूरा डिस्प्ले ही है, नहीं जो हमारे वाले में यही साइज है 7 इंच का है ये, जो अब जो मॉडल आया है ना अल्फा टॉप वाले मॉडल में, तो जिसका 10 लाख रुपीज के अराउंड में आता है, तो वो पूरा फुल है यहाँ से है, वो 10 इंच का 10-11 इंच है, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक उसमें, उसका ये 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, और भी चीजें सब है, फीचर सब है, बढ़ा दी। तो बॉडीगार्ड टेम्पल मंदिर पहुंच चुके हैं और गाइस मजा आ गया गाड़ी चला के एकदम मस्त। ये टेम्पल है यहाँ और यहीं पे हम लोग पूजा करवाएंगे गाड़ी का, पंडित जी वगैरह भी आ रहे हैं और यहाँ से सेंट्रल भी पास में है। जो मेरे पास बलेनो है 2020 और 22 में बहुत डिफरेंस किया है यार, ये हाइट थोड़ा बढ़ा दिया है, पीछे वाला भी कर दिया है। डेल्टा मॉडल हमने परचेज किया है तो डेल्टा मॉडल भी बेस्ट है यार, चलाने में तो काफी अच्छा लगा है, स्मूथ काफी। अभी पूजा स्टार्ट हो चुका है और चेक करो सिनेमेटिक शॉट गाइस। फाइनली पूजा वूजा कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी का लुक देखो क्या सही दिख रहा है यार, मस्त। कुछ एसेसरीज वगैरह का भी चल रहा है दिमाग में कि एसेसरीज कुछ लगवाना है गाड़ी में, क्योंकि ना कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कैमरा लगा देने का, और मैट वैट भी है तो मैट वैट लगवा ही देते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं तो देखते हैं, अभी प्लान चल रहा है, तो यहाँ से पहले पूजा हो जाएगा करके फटाफट निकलते हैं। और अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलो अभी हम लोग लियो कार एसेसरीज के पास आए हुए हैं और कुछ कुछ चीज़ यहाँ लगा रहे हैं, अभी देख रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने अभी डन कर दिया, जैसे रेन वाइजर, मड फ्लैप, सीट कवर देख रहे हैं, कुछ अच्छा मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज कवर वगैरह नीचे का मैट वैट ही लेना है, तो देख लेते हैं। और भी चीज़ें सब है यहाँ वेट कर रही है, सबको हमने वेट करवा रहे हैं अच्छे से साथ के साथ ही। और एक देखो वहाँ चाय, यहाँ भी देखो चाय करते ऊपर से लगाया जाता है, हाँ ये सब ऊपर से लगाया जाता है सारा, ये सब एसेसरीज में आता है, गाड़ी लगा के कभी नहीं देता है, समझे सही बता रहा हूँ। एसेसरीज में जाता है अपना पैसा लगता है, काटेगा अपना पैसा लगता है सारा अपना पैसा। अभी हम लोग एक ये लगा रहे हैं जैसे मैंने बताया था, और सेम चीज़ अभी लगा रहे हैं, ये तो मैं दिल्ली से ही लेके आया था, ये वाला डोम तो काफ़ी सही है। और अभी रात हो चुका है का 8:30 के आसपास हो चुका है, तो फटाफट कंप्लीट करवा दें। घर पहुंच चुके हैं और चेंज वेंज करके सोचा वीडियो भी एडिट करना और अपलोड करना है, ट्रैफिक रास्ते में बहुत ज़्यादा था, गाड़ी का भी काम सारा हो चुका है। मम्मी भी अभी किचन में खाना वाना बना रही है और मैं भी किचन में ही हूँ, मम्मी का थोड़ा हेल्प कर देता है सोचा। तो इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, इधर मम्मी भी है, एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना है क्योंकि कल से हमारा एक और ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। बाय बाय।